अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से रेम्बो बजीज होगोरोमो और नॉर्मल में कुछ वर्किंग पीसेस सबके सब जो है ये लाहौर जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं रेम्बो सेल नहीं हो रहे, और ये देख सकते हैं आप लोग आपके सामने माशाल्लाह से ये कुछ पीसेस हैं और कुछ ये पीसेस हैं। कम से कम 20-25 पीसेस जो है लाहौर जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको निकालेंगे और इसमें पट्टी में डालेंगे। ठीक है, और आपसे शेयर भी करेंगे। पर डाल लिए सारे, बस अल्लाह पाक मुबारक करें। ब्रीडर पेयर भी जा रहा है, अंडों से उठा के दिए पेयर। ठीक है, वॉलेट बर्ड माशाल्लाह से बुक इन्होंने किए थे पहले से ही। अल्लाह नजर बच्चे बचाए और इनको इस दो मान से समझा दें। तो अब हम चलते हैं अपने मंजिल महफूज की तरफ। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कार्गो करवाने, बाय ट्रेन जाएंगे इंशाल्लाह। ड्रेंकर सेंटर लग गया, सीधे सीधे हो गई हैं, दाना भी डला हुआ है। बीच में मैंने कुछ ब्रेड डाल दी है, ठीक है, और दाना डाला हुआ है, और इसमें पॉट में भी दाना है और पानी भी लगाया हुआ है, सब कुछ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बर्ड कैंट स्टेशन लेके जा रहे हैं, रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं। टू लाहौर अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ बर्ड्स मंगवाए थे आदिल भाई से, रेम्बोज के थे वॉयलेट में और होगोरोमो के। तो ये पहली दफ़ा मैंने तो मंगवाए थे इनसे, वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनसे। तो आदिल भाई अच्छे इंसान हैं काफ़ी, और ट्रस्ट वाले बंदे हैं, और इनके पास चीज़ क्वालिटी वाली होती है। जो मैंने वीडियोस पे इनके जो बर्ड्स देखे थे ये वाले, उससे ये काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास क्वालिटी में आए हैं अभी लाहौर में। और मैं सब दोस्तों को यही कहूँगा कि आदिल भाई से बर्ड्स बाय करें, ये ट्रस्ट वाले ब्रीडर हैं और अच्छे बर्ड्स हैं इनके पास। टोटली जितने भी बर्ड्स हैं इनके पास अच्छे हैं, और ये उनका काफ़ी इखलाक बहुत अच्छा है। तो